फोटो कराएंगे तो सारा चीज मिलेगा। अच्छा वो पूरे का वहन करेंगे ना, वहन करेंगे मैडम। हाय सर, कैसे हो? बुला लीजिए सबको, बुला लीजिए। लुकिया लुकिया, हाँ अच्छा स्टार्ट करेंगे लेटर कम। नहीं नहीं सर, आप अच्छा अलग फोटो फोटो फोटो। हाँ इधर इधर देखिए मैडम, आ दोनों बोथ ऑफ यू, यहाँ बिस्तर भी यहाँ पे। वन मोर सर, पूरे फ्रंट यहाँ लाइट करो, लाइट जाना जल्दी। फोटो 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 हाँ इधर लुकिया लुकिया यहाँ लुकिया यहाँ लुकिया यहाँ यहाँ हाँ इधर देख सकते हो यहाँ सर। पीछे आना पीछे आना हाँ इधर यहाँ लुकिया 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 किधर सब जगह इधर लुकिया या लुकिया सर लुकिया सर इधर पपीता एकमात्र ऐसे फनकार और संगीतकार है जिनकी फिल्म ने बात की पपीता की मेरी लाइफ की। आप लोग जानते हो मैं कैमरा के उस पार था, आप लोग के साथ ही जुड़ा था मीडिया में। जब मैंने ऐसे जर्नी म्यूजिक कंपोजर शुरू किया, मेरे लाइफ का डेब्यू सॉन्ग मूवी का दैट वाज संग बाय पपीता, लाइफ का पहला गाना। सो ही बैक मी लाइक एनी थिंग। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ही इज़ नो मोर, उनका नाम का फ़ायदा उठा के आज प्रमोशन करें, नथिंग लाइक दैट। वो एक इमोशनल कनेक्शन रह जाता है। ये गाना बिफोर ये सब चीज़ हुआ, उनसे पहले हमने डब किया था, पता नहीं था ऐसा होगा कुछ चीज़। काफ़ी मुझे उन्होंने सपोर्ट किया। ऐसे मतलब मैं आया बहुत छोटे शहर से, एक पपीता एक लेजेंड जैसे इंसान ने मुझे इतना बैक किया, मेरे लिए गाने तीन चार गाए जो भी है ठीक है। कमिंग बैक टू हमारा गाना, यस इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी पर्सनली। एंड म्यूजिक बाउल इट्स नया म्यूजिक लेवल आज हमने इसके थ्रू सोचा आरम्भ करें। म्यूजिक बाउल में हमने डिसाइड किया टू मेक ए गुड म्यूजिकल प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करें, जैसे नॉट टू जस्ट कि हमने इसको ले लिया उसको ले लिया ऐसा वैसा, ये फॉलोअर्स देखे इंस्टा में, नथिंग लाइक दैट। गुड टैलेंट्स जहाँ पे रॉ हो, सो उस हिसाब से म्यूजिक बाउल्स हमने शुरू किया। होली का गाना है ये, एंड नथिंग कुड बी बेटर। मतलब नाम बहुत आ रहे थे, द बेस्ट नेम दैट वी कुड गेट वाज देव भाई। देव भाई के साथ मेरे पहले भी गाने आ चुके, बट दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल। एंड ये गाना मैं ऑनेस्टली बताऊँ कम्प्लीट नहीं हो सकता था जो अगर इनका एनर्जी नहीं होता। इतना एक दिन में हमने जैसे पूरा कम्प्लीट किया। एंड कमिंग बैक टू वर्णिका, इनके साथ ऑलरेडी मेरी वेब सीरीज़ चल रही है फॉर ए गुड प्लेटफॉर्म, वो जा रही है। एक वेब सीरीज़ इन्होंने ऑलरेडी शूट करके कम्प्लीट भी की है, शी इज़ ए थिएटर आर्टिस्ट। एंड ये रिस्पेक्टिव हमने वही बोला जैसे इंस्टा फॉलोअर्स नहीं देखा, ये नहीं देखा, वी बैक ट्रू आर्टिस्ट। एंड कैप्टन ऑफ द शिप इज एक्चुअली विक्रांत भाई है, एंड खुशी है जो भी हम लोग कर रहे हैं। सो या लिरिक्स बाय कुमार पाजी, जो आज के डेट में बॉलीवुड के सबसे सारे बड़े गाने उनके लिखे हुए हैं। एंड मोनाली ठाकुर हु इज द फीमेल पार्ट, एंड आई एम सॉरी मैंने किसी को अगर मिस किया नाम में, सॉरी किया। देव आप क्या कहना चाहेंगे, इतना एंजॉय किया आपने, होली का गाना था और ऑन सेट किस तरह का माहौल था, और अगर पूरे गाने के बारे में बताया जी? शुरुआत तो पपीता से ही करना चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ उनका, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो उनकी आवाज़ है वो अमर है। और जब मुझे पता चला कि पपीता का गाना है तो मैंने तो एक्चुअली गाना सुने बिना ही बोल दिया था कि मैं कर रहा हूँ, जो डेट बोलोगे मैं सारी चीज़ें छोड़ के आई विल कम एंड शूट द सॉन्ग। और सोने पे सुहागा था कि होली का गाना था, एंड विवेक के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। और विवेक की गानों की खासियत ये होती है कि विवेक के गानों के ना टाइटल बड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे इनके साथ मेरा जो पहले गाना है तो उसका नाम था मेंटल, अभी है माँ की आँख, तो क्या होता है याद रहती हैं चीज़ें क्योंकि बहुत डिफरेंट होता है। नहीं तो नॉर्मली हम एक लंबा सा प्यारा सा एक मोहब्बत वाला कुछ टाइटल रख दें तो वो जहन से निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी। और विक्रांत भाई इज़ लाइक माय एल्डर ब्रदर, हम लोग पिछले 8-10 साल से जुड़े हुए हैं साथ में। तो जब विक्रांत भाई ने मुझे बताया तो उसके बाद विवेक से और खुशी ने, इन लोगों ने क्रिएटिवली जैसे तरह समझाया गाने को,
फिर मैंने पूछा कि एक्ट्रेस कौन है, तो उन्होंने बोला कि नई लड़की है लेकिन एनर्जी आपको बहुत अप लेके जानी पड़ेगी अपनी, बिकॉज शी इज़ वेरी एनर्जेटिक. तो मैं पहले नर्वस हुआ, देन वी मेट एट द रिहर्सल हॉल और बहुत मज़ा आया काम करके, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल लगा आपको देख के खुद ही समझ में आया होगा कि लग नहीं रहा पहली बार शी इज़ फेसिंग अ कैमरा या पहली बार डांस कर रही हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आर्टिस्ट के लिए डांस स्टेप्स याद रखना, लिपसिंग करना, साथ में एक्सप्रेशंस को पकड़ के रखना और बीट पे गाना करना. तो इट वॉज अमेजिंग और मैंने भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा काम किया है. आई एम रियली लविंग इट, मुझे बहुत अच्छा लगा गाना. तो मैं चाहता हूँ कि सारी जो ऑडियंस है इस बार होली पे एक ही गाना चले और इतना धमाल चले, माँ की आँख. और तो माँ की आँख का बेसिकली यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव सा, कुछ लोग नेगेटिव ले लेते हैं लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि माँ की आँख जो होती है, माँ की जो नज़र होती है, उससे कुछ नहीं बचता है. तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि इतनी बारीकी से हर एक चीज़ को, हर एक लम्हे को, हर एक मोमेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. तो आई एम श्योर कि सबको अच्छा लगेगा गाना. सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सर आपको. और ये गाना जब मैंने पहले सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना प्यारा गाना है, और विवेक सर का था ये गाना, तो मुझे स्टार्टिंग में तो गाना बहुत प्यारा लगा. और जब मुझे मौका मिला कि हाँ मैं फीचर हो रही हूँ इसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाओ ये गाना, और इसमें जो इसका लाइन है माँ की आँखें, मुझे बहुत पसंद आया बहुत ज़्यादा. और थैंक यू देव सर, क्योंकि इन्होंने मुझे सेट पे बहुत हेल्प की है कि कैसे डांस करना है, कैसे कैमरा फेस करना है, क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए, वो सबको लेकर के बहुत हेल्प की. और रेबिका ने भी मेरी बहुत हेल्प की है फॉर लुक्स एंड ऑल. तो आई एम वेरी हैप्पी. एंड वन मोर माय विक्रांत भाई. और क्या सीखा आपने देव से? मैंने देव से सर बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखी है, कैमरा एंगल्स, और आप कैसे प्रेजेंटेबल हो चीज़ों को लेकर के, और डांस मूव सारी. बेस्ट पार्ट ऑफ देव भाई इज इम्प्रोवाइजेशन. सपोज हमने कैमरा रोल किया, कोरियोग्राफर ने बता दिया ये स्टेप या मैंने ये करना है, कैमरा जब तक कट नहीं बोलो दे कैरी ऑन विद द स्टेप. यहाँ पे बहुत सारे फुटेज वो यूज किए गए जो सिखाए नहीं गए थे, जो बोला नहीं गया था, और दोनों ने केमिस्ट्री कंटिन्यू किया. सी इट्स इजी कि हम बोल दिए कि हाँ ये खराब है, ये नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा है, बट अब जब हम फील्ड में रहते हैं हमें पता है कि ये टाइम शेड्यूल में गाना कंप्लीट करना है. एंड क्रिएटिवली एक आर्टिस्ट का इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत ज़रूरी है. एंड आई सैल्यूट, मैंने बोला कि आई एम ए फैन ऑफ दिस. अरे थैंक यू सो मच. आप क्या कहना चाहेंगे, आपका कैसे म्यूजिक बाउल के बारे में कुछ बताएं, क्या होने वाला है इस म्यूजिक लेबल के साथ और किस तरह के गाने आने वाले हैं, क्योंकि पहला ही गाना आप लोगों ने बप्पी दा को डेडिकेट किया है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है. हाँ डेफिनेटली, देखिए हम लोग सब लोग बप्पी दा के फैन हैं और बचपन से उनके गाने सुन रहे हैं और उनके स्टाइल को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और वो लेजेंड है और अमर है वो. और ये उनको ये सॉन्ग जो है म्यूज़िक बॉल की ओर से उनको डेडिकेशन है, श्रद्धांजलि है जो हम लोग देना चाहते हैं सब लोग मिलके. और क्योंकि ये एक कंपनी है और इसके प्रोड्यूसर हैं मिस्टर अजय जी, और उनका विजन था, वो भी पप्पी दा को बहुत लाइक करते हैं, उनका विजन था कि मेरी जो कंपनी है पहला. और भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विवेक जी के और भी दो गाने और वेनिका जी का, इनका दो गाने ऑलरेडी आ रहे हैं इसके पीछे, रेडी हैं एंड आई वॉज बैक टू बैक आने वाले, लेकिन हम लोग ने उस गाने को रोका कि लेकिन पप्पी दा जी को पहले श्रद्धांजलि देना चाहिए. और म्यूज़िक बॉल और मणि मंत्रा जो इसकी प्रोडक्शन हाउस है, तो बैक टू बैक गाने लेके आएंगे और नए टैलेंट को भी इस पर मौका मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा. और विवेक जी ने बहुत, डायरेक्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया, वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी है और डायरेक्शन भी उन्होंने किया है. और देव तो भाई है मेरा, बहुत ही ज़्यादा उन्हें काम किया और सब लोगों ने अच्छा किया. खुशी रेबेका मेरी वाइफ है, उसने सबसे ज़्यादा मेहनत किया, भागा दौड़ी की, और मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ. और हम लोगों का जो सपना है उस सपने को आप घर घर पहुँचाइए, आपके हाथ में. थैंक यू. जैसे जानने कहा कि बहुत ज़्यादा आगम दौड़ी थी आप लोगों के लिए स्पेशली, क्या कैसा जर्नी रहा पूरे गाने का, उस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग आए, और हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत सारा शुक्रिया कि सब लोग ने इतना हेल्प किया है. इवन हम लोग ने बहुत शॉर्ट टाइम में ये जो भक्ति दा वाला सॉन्ग है, बहुत जल्दी, जैसे सडनली विवेक सर ने बताया कि मतलब आई हैव वन सॉन्ग भक्ति दा का,
तो इसके पहले हम लोग दूसरे गाने कर चुके थे और वो हम रिलीज़ करने वाले थे, उसकी सारी प्रिपरेशन थी। बट जैसे ही वो गाना सुना, तो एक्चुअली वो आपने जब सुना होगा ऑडियो, उसमें आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि वो स्पेशली होली के लिए है। अभी सॉन्ग हमें मिल गया था और हमें चाहिए था एक अच्छा सा मौका कि अभी बप्पी दा का सॉन्ग है और हम लोगों को इस पर करना है, तो हम लोगों ने इसलिए पहले इसको शूट किया। और इस शॉर्ट टाइम में देव सर ने भी हम लोगों के हिसाब से एडजस्ट किया, और हम जैसे ऐसा लग रहा था कि देव सर भी, क्योंकि इनकी भी बहुत सारी आने वाली वेब सीरीज़ हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अपने बिजी सारे शेड्यूल में से उन्होंने हमारे लिए टाइम दिया और वहाँ पर भी आते थे, रिहर्सल पे भी आए। और वर्णिका को जो लग रहा था कि यार वो देव सर पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, कुछ थोड़ा लगता है ना कि यार टेंट्रम बताएगा, कोई बड़ा एक्टर है तो, और मुझे थोड़ा सा डर लगेगा। बट वो उसने बोला कि मतलब वो बहुत हेल्पिंग नेचर है, विवेक सर बहुत हेल्पिंग है, और हमारी पूरी टीम, पूरी हमारे स्पॉट से लेकर हमारे हमारे जो मेन प्रोड्यूसर है, जो मणि मंत्रा के जो प्रोड्यूसर है, तो टॉप टू बॉटम सारे लोग बहुत हेल्पिंग थे। तो मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सबने बहुत मेहनत करी है और बहुत इन्जॉय किया है। मैं हाँ जी, आप पहले पूछ लीजिए क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कितना एंजॉय कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज के दौर में? काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि ये दो ऐसे मीडियम है जिसमें बहुत कम टाइम के अंदर आपको अपने इमोशंस एज एन एक्टर, आपकी वर्सिटैलिटी दिखाने का मौका मिलता है, क्योंकि हर इंसान के पास नहीं है कि पूरा बैठ के आपके 3 घंटे की फिल्म देखे और फिर आपको कास्ट करे। बट दीज आर स्मॉल पोर्शंस जहाँ 2.5-3 मिनट के गाने के अंदर आप एक पूरी जर्नी दिखा देते हैं, एंड हेड्स ऑफ टू द डायरेक्टर लाइक विवेक जो इतने कम टाइम के अंदर एक जर्नी को दर्शक तक जो है पहुँचा पाते हैं। तो मैं ये भी कहना चाह रहा था, एक्चुअली चीज़ें रह गई कि विवेक ने जो माहौल था हमारे शूट पे इतना स्मूथ था कि हमें लगा कि हम लोग मस्ती कर रहे हैं, वो मस्ती में ही हमें लगा हम लोग मतलब होली सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, ऐसा लगा ही नहीं एक पल के लिए भी कि यार शूट है, टाइम से ख़त्म करना है। सबको टेंशन थी, विवेक बस सॉर्टेड के हो जाएगा आराम से, हो जाएगा, मुझे पता है कितना लेना है क्या लेना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज आर्टिस्ट हमेशा चाहते हैं कि ना उनको जब तक वो अपने इमोशन के अंदर है ना तब तक कोई इन्हें रोके ना, तो विवेक ने कभी कट बोला ही नहीं, हम लोगों ने बोला भाई अब थक गए रोक दो, तो इन्होंने वो चलते रहने दिया। तो क्या है, इसलिए हमारी केमिस्ट्री और जो एक नेचुरल वो है वो बाहर आता रहा। अपार्ट फ्रॉम विवेक आई वुड लाइक टू मेंशन टू मोर पीपल, जावेद भाई जो DOP हैं हमारे, उन्होंने कमाल का काम किया है। विवेक का पहला गाना मेंटल जो मैंने किया था उसमें भी ही वॉज द DOP, बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड कोरियोग्राफर चीनी भाई, मैंने उनके साथ भी मेरा ये दूसरा गाना था, वो भी बहुत सॉर्टेड हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत ही काम रह के चीज़ों को समझाते हैं, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। और अजय भाई तो इज़ लाइक फैमिली हो गए, मैं उनसे पहली बार सेट पे मिला था, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं एंड ही इज़ फ्रॉम UP, और मेरी अपब्रिंगिंग UP की रही है, तो काफ़ी कनेक्ट होने का मौका मिला उनके साथ और काफ़ी स्मूथ था माहौल, बहुत मज़ा आया। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मेरी देर आर कपल ऑफ वेब सीरीज, वन इज़ कॉल्ड इल्ज़ाम, वन इज़ कॉल्ड दिल्ली वाला दिल, ये बहुत जल्दी आएंगी। और इसके अलावा वर्णिका और मैं एक वेब सीरीज साथ में करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थार्थ, जिसका हम लोग शुरू करेंगे शूट आई बिलीव आफ्टर होली के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो दैट इज़, अरे इवन रेविका इज़ देयर, शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी नाइस रोल इन इट। अच्छा हाँ, इवन द डायरेक्टर इज़ हेयर बट मैं अभी उनको देख नहीं पा रहा हूँ, शायद वो पीछे कहीं पर बैठे हैं, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज़ ऑल्सो हेयर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, देर आर 3-4 फिल्म्स जो लॉकडाउन से पहले की बनी हुई हैं, तो वो बाहर आने वाली हैं, जिसमें से सबसे पहले शायद आपको के सरा सरा के साथ जुड़ के हम एक फिल्म रिलीज कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड शायद मैं टाइटल भूल गया हूँ उनका, आभी जाओ पिया। तो आभी जाओ पिया जो है सबसे पहले शायद मेरी फिल्म बाहर आएगी, जो कि के सरा सरा जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, तो विक्रांत भाई ने काफ़ी सपोर्ट किया उस फिल्म के लिए। तो जी बस ये थोड़ा बहुत चल रहा है आपको। सर मैं हूँ दिल्ली से और हमारे यहाँ तो मतलब ऐसा है ना कि त्यौहार बहाना है हमारे लिए, और त्यौहार आते के साथ ही हम लोग तो फुल ऑन लग जाते हैं। तो होली पे मुझे एक तो कलर्स और वो गुब्बारे और पिचकारी और एक गुंजिया करके ना एक स्पेशल डिश आती है होली पे, गुजिया, वो हम इतनी खाते हैं, तो मैं वेट करता हूँ कि बस होली आए और मैं शुरू हो जाऊँ। और होली का मैंने मेरी डेब्यू फिल्म यारिया में एक गाना शूट किया था, उसके बाद सीधे अब जाके मौका मिल रहा है, तो आई एम रियली ब्लेस्ड के एक होली का नंबर मेरे पास आया और मेरी किटी में बप्पीदा जैसे लेजेंड का एक गाना जुड़ गया। तो जी सबको आने, हमारे सारे दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सेफ खेलें, फूलों वाले कलर से होली खेलें, खूब सारा मीठा खाएँ और सेहत का ध्यान रखें, लेकिन धमाल होली खेलें और हमारे गाने को ज़रूर बजाइएगा बैक टू बैक जी। माँ की आँख।
मैं अभी एक म्यूज़िक वीडियो ही है हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैं, जुबेर और वर्णिका जी, हम लोग तीनों साथ में आने वाले हैं। इसके बाद जो गाना आएगा उसमें मैं हूँ। अरे वाह। और यही है बस। और मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ वंस अगेन। और मैं अपने कास्टिंग डायरेक्टर अमजद खान जी को भी थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने प्रोजेक्ट में सब अच्छे अच्छे एक्टर को कास्ट किया। और आप सबको थैंक यू सो मच। होली की यादें, होली के बारे में कुछ? हाँ, होली तो मेरा फेवरेट है। होली में मुझे बहुत मज़ा आता है। और इस गाने में भी मैंने सच में होली खेली है, सच में होली खेली है। और सारे सीन्स जो आप लोग को होली वाले वो कलर्स वाले दिख रहे हैं वो सारे रियल है, क्योंकि विवेक सर इज़ लाइक कि हम लोग कुछ भी प्री प्लान नहीं करेंगे। हम वहाँ पे जाएंगे और अब एकदम नॉर्मल, एकदम चिल होकर के करो, होली खेलो और मैं शूट करता हूँ। वैसे था, एकदम वैसे ही। और होली तो बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और वर्णिका का मतलब भी कलरफुल होता है, तो कलर अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, मेरा अपकमिंग है, वेब सीरीज़ है मेरे, एक तो सर के साथ है और एक और है, आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी दो और गाने हैं मेरे जो अभी रिलीजिंग पे हैं। और ये है कि माँ की आँख, ये शब्द जो है कहीं नहीं जाना, वो हर तबके का शब्द है, तबका कहीं नहीं जाना है। वैसे देखा जाए तो बच्चे पे जो नज़र रहती है, माँ की नज़र रहती है, उसे भी हम माँ की आँख कह सकते हैं। लेकिन चूंकि इसको हम इस तरह से आजकल बोलते हैं कि लोग इसे कहीं समझ सकते हैं, लेकिन साथ में चालू भाषा में इसे माँ की आँख के शब्द कहा जाता है। एनीवेज, बप्पी दा के लिए और हम सब के लिए ये कह सकते कि एक ऐसा, बप्पी दा के साथ में हम संगीत के चाहने वालों का ऐसा रिलेशन है, मैं है ही कहूँगा, मैं थे नहीं कहूँगा बप्पी दा को। उनका ये आखिरी गाना अगर ये आज रिलीज हो रहा है तो ये बप्पी दा का आशीर्वाद ऊपर से हमें मिलेगा। वो जहाँ कहीं भी हो बहुत खुश हो रहे होंगे आज, और तहे दिल से गोल्डन हार्टेड पर्सन दिल से अपने हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। और आप सबका साथ अगर रहा तो बप्पीदा के आशीर्वाद से और आपके सबके साथ से ये गाना सुपर डुपर हिट हो जाएगा। जैसे बप्पीदा का डिस्को डांसर था, बप्पीदा का याद आ रहा तेरा प्यार है, वैसे ये माँ की याद भी गाना हिट, सुपर हिट होगा ऐसा लगता है मुझे। लव यू बप्पीदा एंड लव यू दिस टीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम, और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि सबसे पहले तो इतना बड़ा चैनल लॉन्च हुआ है म्यूज़िक बोल, और इसके थ्रू जो सबसे बड़ा गाना है माँ की आँख, जो सुनील सर ने बताया कि इतना प्यारा पप्पीदा ने सो कंपोज किया गाया है, सो आई फील लाइक दिस इज़ द ट्रिब्यूट एंड लास्ट ट्रिब्यूट जो एक लेजेंड थे। और मैं हमेशा उनसे पर्सनली इसलिए कनेक्टेड रहा हूँ क्योंकि एक गाना था जूबी जूबी, विच आई ऑलवेज लुक इट फॉर माई सेल्फ, और कुछ ऐसे मोटिवेशन मुझे मिलता था उनसे। तो डांस डांस फिल्म का गाना डेफिनेटली आया, वो जूबी जूबी बहुत प्यारा गाना था। तो इस वजह से मेरा एक पर्सनल कनेक्शन था और पर्सनल लॉस फील होता है, लेकिन डेफिनेटली जैसे सुनील सर ने कहा कि जहाँ होंगे गाने को देखेंगे, उनका लास्ट गाना अगर है तो ट्रिब्यूट है हम लोगों की तरफ से, म्यूजिकल चैनल की तरफ से, क्योंकि इस चैनल के साथ में मैंने भी ऑलरेडी एक गाना शूट कर किया है। तो ये पहले गाने के साथ इस चैनल का बूम तरीके से, बहुत उमदा तरीके से शुरुआत है। तो अब देखिए ये चैनल कैसे ग्रो करता है, डेफिनेटली इट विल बूस्ट इट अप विद गुड ऑफ सब्सक्राइबर्स विद व्यूअर्स, और जब जब आप देखेंगे तो एक गाने के साथ नया नया फ्लेवर देखने को मिलेगा। सर, आपने जो इस गाने के बारे में बोली थी, जो आपकी उसके बारे में? अच्छा सर, बताइए। टीम हम लोगों ने सेलेक्ट की, एक्चुअली कहीं हम लोग बैठे हुए थे, ऑल ऑफ सडन विवेक जी नहीं दिख रहे मुझे कहीं, मेरे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरे को एक गाना दिया, एक गाना सुनाया इनफैक्ट कि सर ये देखो ना एक गाना आया है बहुत बढ़िया, मेरे पास था, मैंने किसी को दिया था, बट वो सी इज नॉट कैपेबल टू शूट दिस सॉन्ग, तो आप देखो ना अगर आप कर पाओ। तो मैंने कहा मेरे सुनाओ, तो उन्होंने सुनाया मुझे गाना, बोला कि ये बप्पीदा का गाना है। तो बप्पीदा वन ऑफ माई आइडल, जब अपन स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे, तो उनका गाना सुन सुन के अपन बड़े हुए, तो एकदम से ना वो दिन याद आ गए कि आज मैं डिस्को डांसर। तो मैंने कहा यार चलो ये गाना चाहे जिसके पास भी हो तो मुझे मंगा के दो और मैं ये गाना करूँगा माँ की याद।
और एक ट्रिब्यूट था मेरी तरफ से बप्पी सर को, और सुनील सर खुद एक बहुत बड़े सिंगर हैं, मुझे आज पता चला, कल पता चला इनफैक्ट, कल विक्रांत भाई ने मेरे से बताया कि सुनील सर बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। अब मैं देखता हूँ मैं इनको कैसे इनके इनके मैं अपने कैंप में नहीं इनके कैंप में मैं कैसे जाता हूँ है ना, जो इनका कैंप तो बड़ा बड़ा है। तो ये था और ये हम लोगों ने गाना किया। ऑल ऑफ सडन ये 1 मिनट का डिसीजन था कि हमने डिसीजन लिया कि हाँ ये सॉन्ग करना है और करना है, और ये बहुत ही नहीं हुआ, ये केवल 15 दिन पहले की बात है। और सारी मेहनत जाती है विवेक सर को, उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छे से गाना शूट किया। अब आप लोग की ब्लेसिंग चाहिए कि ये गाना ब्लेसिंग जो इसका एक मुकाम है ना वो मुकाम पे पहुंचे। हाँ, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं अभी न्याय द जस्टिस जो फिल्म थी वो, उसका सेंसर सर्टिफिकेट आ गया है और वो US सर्टिफिकेट उसको मिला है। इट इज़ गेटिंग रिलीज मोस्टली इन ऑल द थिएटर्स, जो 22nd of April को रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हो रही है मेरी 1st week of April से। एंड उसके अलावा मैंने गोताखोर डैम ग्रेवयार्ड भी 2 फिल्म्स फिनिश की थी जो अमेजन प्राइम पर आ रही हैं और आज ही फाइनल हुआ है, द सबटाइटल्स आर गोइंग ऑन। उसके अलावा सर के साथ तो मैंने ऑलरेडी एक गाना किया है, 2 गाने ऑलरेडी कर चुका हूँ, एज अ प्रोड्यूसर भी आ चुका हूँ हज़ार फिल्म्स को लेके। फिर के सेरा सेरा के थ्रू ही एक फिल्म मैंने की है शरद जी की, जो शाशाराम से जी की है मोटेल, वो हमने गोवा में फिनिश की है, इट इज़ ऑल्सो कमिंग अप इन थिएटर्स। फिर 2 फिल्में हैं, एक राजीव वालिया की धड़के दिल बार बार फिनिश हो गई है, जिसमें एंटीगनिस फर्स्ट टाइम आई प्लेड एंटी हीरो इन अ फिल्म, प्रोड्यूसर्स की एक और है जो पाचिका के साथ वो फिनिश की है। तो इंशाल्लाह इस साल मेरी 7 फिल्म्स आर कमिंग अप विद डिफरेंट डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, एंड 3 सॉन्ग्स आर कमिंग अप, एक सर के साथ में, अजय सर के साथ ऑलरेडी किया है और इंशाल्लाह आगे भी करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड फॉर द होल ईयर एंड जस्ट फिंगर क्रॉस, और देखते हैं क्या होते हैं। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.